साबर का चौहान वंश। शाकंभरी का प्राचीन नाम सपाद लक्ष था। सपाद लक्ष का अर्थ 1,25,000 माओं का समूह है। यहीं पर वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली है। इसके शाकंभरी सांबर को अपनी राजधानी बनाया है। सांबर जिले का निर्माण भी इसी शासक ने करवाया है, यानी वासुदेव चौहान जी ने ही सांबर जिले का निर्माण करवाया है। इसकी उपाधि महाराज की थी, अतः यह एक सामंत शासक था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पृथ्वीराज प्रथम था, जिसकी उपाधि महाराजी धीराज दी, यानी पृथ्वीराज जो प्रथम था उन्हें उपाधि दी गई थी महाराजा धीराज की। पृथ्वीराज प्रथम ने गुजरात के बड़ोच पर अधिकार कर वहां आशापूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज के बाद में अजयराज शासक बना। अजयराज ने 1113 ईस्वी में पहाड़ियों के मध्य अजमेरू नगर की स्थापना की, जिसे अजमेर कहते हैं। इसे अपनी नई राजधानी बनाया। मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने 15वीं सदी में इसका नाम तारागढ़ दुर्ग कर दिया, और इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। अजयराज के पुत्र अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में आनासागर झील का निर्माण करवाया है। फिर आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव भी कहते हैं। 1153 से 1164 तक इनका राज रहा। पृथ्वीराज तृतीय के अतिरिक्त चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ है। इसके पंजाब की भांडन को पराजित कर दूर भगा दिया था। जो भी पंजाब के भांडन थे उन्हें पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। यह एक कवि हृदय शासक थे। इसे कवि बांधव भी कहा जाता है। इसने स्वयं हरि के लिए नाटक की रचना की है, जिसमें शिव पार्वती व कुमार कार्तिकेय का वर्णन है। इसके दरबारी कवि नरपति नल्ला ने बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की है। अन्य कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की है। 1153 से 1156 के मध्य विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जिसे 1100 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया है। यहाँ पर पंजाब शासक सूफी संत का 2.5 दिन का उस दिन का मेला भी पड़ता है, इसी कारण से 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। वासुदेव चौहान जिसे विग्रहराज कहते हैं, द्वितीय जो वासुदेव चौहान विग्रहराज द्वितीय थे, मतंगा की उपाधि प्राप्त हुई है। अजयराज थे, श्री अजयदेव के नाम से चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए हैं। इनकी पत्नी थी सोमलेखा। अजयराज की जो पत्नी थी वो थी सोमलेखा। अनुराज विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव हैं, और उसके बाद में आए पृथ्वीराज तृतीय। तो इस तरीके से चौहान वंश चला है। फिर पृथ्वीराज तृतीय के अंदर आते हैं कि जन्म हुआ था पृथ्वीराज तृतीय का 1166 ईस्वी में। अहिल पाटन के अंदर इसका जन्म हुआ था गुजरात के अंदर। उपनाम पृथ्वीराज तृतीय को हम कहते हैं राय पिथोरा। दल पंगल की उपाधि धारण की हुई है इन्होंने। माता है इनकी कपूरी देवी, और इनके प्रधानमंत्री थे कैमास, पिता थे सोमेश्वर जी। खांडेराव पृथ्वीराज का सेनापति था। चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। 1178 ईस्वी में पिता सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज अजमेर का शासक बना। वह छोटी आयु का था, अतः उनकी माता कपूरी देवी व प्रधानमंत्री कैमास ने प्रशासन का कार्यभार संभाला है। 1182 में युवा होने के पश्चात पृथ्वीराज ने चंदेल वंश के शासक परमार्थी देव पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में परमार्थी देव के 2 सेनानायक अल्लाह और उधर वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर नागौर युद्ध हुआ। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के बीच में नागौर का युद्ध हुआ है 1184 के अंदर। फिर 1100 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य आबू की राजकुमारी को इच्छनी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ है, और दोनों के मध्य संधि हो गई। दोनों ने इच्छनी से विवाह नहीं किया, अतः इच्छनी के पिता ने उसे जहर दे दिया। पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की है। अनंगपाल
निसंतान था, अतः उसने अपना राज्य पृथ्वीराज को दे दिया। अब पृथ्वीराज ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और पृथ्वीराज व तुर्की शासक मोहम्मद गोरी की राज्य सीमाएं स्पर्श करने लगी तो दोनों के मध्य तराइन के दो युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और तराइन के प्रथम द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। तराइन के इस युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद में पुत्र गोविंद को रणथंभौर का राज्य दे दिया गया। पृथ्वीराज तृतीय व कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल की पुत्री संयोगिता के मध्य प्रेम इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सूफी संत और चिश्ती संप्रदाय से संबंधित ख्वाजा मोनामुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के समय अजमेर में आया था। अजमेर में इनकी दरगाह का निर्माण रजिया के पिता इल्तुतमिश ने करवाया है। देहली वाल वे सिक्के हैं जो पृथ्वीराज चौहान के मध्य थे और मोहम्मद गोरी ने इनके एक तरफ अपना निशान लगवाया है और दूसरी तरफ लक्ष्मी आदि देवियों के चित्र बनवाए हैं। रणथंभौर के चौहान में हम संस्थापक दिखते हैं। रणथंभौर के चौहान में संस्थापक हैं गोविंद राज जी जो दिल्ली से गए हैं। हमीरदेव चौहान रहे हैं, शासन 19 वर्ष रहा है रणथंभौर में चौहानों का। युद्ध 18 लड़े गए हैं टोटल, 18 में से 17 युद्धों में विजय हुई है रणथंभौर के चौहानों की। कोटियन जन यज्ञ विश्व रूप करवाया है यहाँ पर। चौहान वंश का अंतिम शासक रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान था। अपने जीवन काल में उन्होंने 18 युद्ध लड़े और 17 में विजयी हुए। 1301 ईस्वी में तुर्की शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसका मुख्य कारण तुर्की के विद्रोही सैनिक मोहम्मद सहाय व कहब्रू हमीर मास शरण में थे। तुर्की शासक ने जब उन्हें वापस मांगा तब हटी हमीर भी इन्हें कहा जाता है हमीर देव को, तो हटी हमीर देव ने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 1301 में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में हमीर के दो सेनापति रणमल व रतिपाल ने विश्वासघात किया और हमीरदेव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए और उनकी पति रंगदेवी ने जल जौहर किया। और रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी है रंगदेवी ने जल जौहर किया, तो उनकी जगह पत्नी नहीं उनकी बेटी है उन्होंने रंग जौहर जल जौहर किया है। रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो व अलाउद्दीन का छोटा भाई उलुग खां था। हमीर हट की उपाधि ने चंद्रशेखर ने दी है। हमीर रासो जोधराज ने लिखा हुआ है। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी ने लिखा हुआ है और हमीर रासो सारंगधर ने लिखा हुआ है। इधर अजमेर दुर्ग की स्थापना 7वीं सदी में अजयराज ने करवाई है। 1291 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो हमीर की तैयारियां व दुर्गों की अभिज्ञता से घबरा कर यह कहकर ये वापस लौट गया था कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस तरीके से ये सांवर का चौहान वंश रहा है।